बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ में अपने लेक्चर्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स नाइन्थ और टेंथ क्लासेस FSC फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की वीडियोस लेकर आता हूँ। आज मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से MCQs का लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रिव्यू एक्सरसाइज 6 में ऊपर लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। तो हम दुरुस्त जवाब जो है उसके गिर्द सर्कल करते हैं। HCF ऑफ PQ3Q माइनस PQ3 एंड P5Q² माइनस P²Q5 इज, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो PQ3Q है इसमें से PQ कॉमन लेते हैं, जब PQ कॉमन लिया तो अंदर रह जाता है P² माइनस Q², फिर PQ इसी तरह ही आएगा। ये एक दफा प्लस P+Q इंटू P-Q, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब P5Q² माइनस P²Q5, यहां से P²Q² कॉमन है, P²Q² कॉमन है, तो अंदर PQ3 माइनस PQ3, ये क्यूब खोलते हैं जी, ये P²Q² उसी तरह क्यूब खोलेंगे तो P-Q आ जाएगा, P² आ जाएगा, माइनस है तो प्लस PQ और प्लस Q². अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। ये P²Q² है और इधर PQ है, ये PQ कॉमन है, यहां से क्या कॉमन है, PQ और फिर P-Q, यहां से P-Q और यहां से PQ, तो आंसर आएगा PQ इंटू P-Q। HCF क्या होता है, जो फैक्टर्स बनते हैं उनके कॉमन मेंबर्स, और पावर की बात हो तो छोटी पावर वाले वेरिएबल्स, तो क्या आएगा PQ इंटू P-Q, PQ इंटू P-Q। तो ये जो B है ना ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है, हमने B के गिर्द सर्कल कर दिया। इसके बाद MCQs नंबर 2 है, HCF ऑफ 5x²y² एंड 20x³y³। इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो इनका जो है आंसर HCF इजी होता है। एक तरफ जो नंबर है वो 20 है और दूसरी तरफ 5 है, 5 20 को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 5 तो आएगा, और दूसरी तरफ वो मिनिमम पावर देखते हैं, छोटी से छोटी पावर देखते हैं जो दोनों में मौजूद है, X² है और Y², इधर भी X² और Y² मौजूद है, तो 5x²y² हमारा आंसर है। देखते हैं क्या है A, तो डियर स्टूडेंट्स A इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने एक को सर्कल कर दिया। उसके बाद MCQ नंबर 3, HCF ऑफ x-2 और दूसरा क्या है, x² + x-6, इसके फैक्टर बना देते हैं, x² + x-6, वैसे तो पता चल गया है ये x-2 आना ही है, लेकिन इसके फैक्टर बना ले, x² + 3x - 2x - 3
सिक्स कॉमन लेते हैं एक्स जी, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन लिया तो एक्स प्लस थ्री, और ये बन जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ये एक्स माइनस टू मौजूद है यहाँ, और इधर ये एक्स माइनस टू खुद भी मौजूद है। तो देखते हैं एक्स माइनस टू है, यानी इसका एच सी एफ क्या आएगा, एक्स माइनस टू आएगा, तो वो सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सी के गिर्द सर्कल कर दिया। एम सी क्यूज नंबर फोर, एच सी एफ ऑफ ए क्यूब है ए की थ्री प्लस बी की थ्री, इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, क्यूब लेते हैं, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्केयर, प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और दूसरा नंबर भी यही है, यानी किसका, इसको जब हमने खोला तो ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आता है, इसका मतलब है दोनों में कॉमन यही आएगा, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस ए बी, तो बी, तो डियर स्टूडेंट्स बी इज द करेक्ट आंसर, बी ही दुरुस्त आंसर है, बी को हमने सर्कल कर दिया है। एम सी क्यूज नंबर फाइव है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्केयर फिर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके फैक्टर बनाते हैं बच्चों, एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स तो माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, इसके फैक्टर बन जाएंगे, कुछ डायरेक्ट करते हैं, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये फैक्टर बन गए। अब दूसरा वो है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ये हो गया एक्स स्केयर माइनस के थ्री एक्स प्लस के टू एक्स माइनस सिक्स, इसके देखें तो इसके फैक्टर बनते हैं हमारे पास एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, क्या बनते हैं, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, सॉल्व करें तो एक्स माइनस थ्री दोनों तरफ कॉमन मौजूद है, एक्स माइनस थ्री को सर्कल कर देते हैं जी, ये ए इज द करेक्ट आंसर, तो ए के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया है। आगे एम सी क्यूज नंबर सिक्स है, एम सी क्यूज नंबर सिक्स है, द एच सी एफ ए स्केयर और माइनस बी स्केयर, ये स्केयर माइनस बी स्केयर, बच्चों पता है क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा है कि थ्री माइनस बी की थ्री, वो क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, देखते हैं ए माइनस बी, ए में ही लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो ए के गिर्द सर्कल कर देते हैं। एच सी एफ डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रा के अंदर है, एफ सी एफ, एच सी एफ होता क्या है, तो जो पॉलिनोमियल दिए गए होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन करें, जो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एच सी एफ हुआ करता है। अब एम सी क्यूज नंबर है हमारे पास सेवन, इसको बहुत अच्छी तरह सॉल्व करना है, इसमें पहला है एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो क्या है, इसके फैक्टर बनाएंगे थ्री एक्स स्केयर ना सॉरी एक्स स्केयर है प्लस टू एक्स है प्लस एक्स है प्लस टू है, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, आप कहेंगे वो कैसे, डायरेक्ट कर, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू, और यहाँ से वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इसके फैक्टर हो गए। आगे है एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स, इसके फैक्टर एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, तो इसके फैक्टर बनेंगे
एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, इसके भी हो गए। आगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एक्स ते प्लस फोर, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर, ये फैक्टर बनेंगे। तो देखें इस तीनों के अंदर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कॉमन है, तो एक्स प्लस वन को सर्कल कर देते हैं जी। ए ए इसमें करेक्ट आंसर है, एच सी एफ है, एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं अभी, एल सी एम नहीं। एल सी एम के अंदर मेथड इसका उल्ट हो जाता है, उसमें कॉमन और अनकॉमन फैक्टर यानी नॉन कॉमन फैक्टर, मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों तरह के फैक्टर्स लिए जाते हैं और फिर एल सी एम फाइंड किया जाता है। फिलहाल हमारा एच सी एफ चल रहा था, वो हमने कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं एम सी क्यूज़ नंबर एट की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एम सी क्यूज़ नंबर एट है एल सी एम से मुतलक, इसके अंदर फैक्टर्स बनाते हैं नंबर्स के और पावर्स बड़ी से बड़ी ली जाती है। लिखा हुआ है एल सी एम ऑफ 15x2, ये 15x2 बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x2, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। उसके बाद है 45 बनता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और एक्स वाई साथ उसी तरह ही आ जाएगा। आगे है 90, वो बनता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक हो गया। और साथ है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। अब कॉमन और अनकॉमन फैक्टर लिखते हैं जी, 3 मल्टीप्लाइड 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टी ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ से जो कॉमन यहाँ से नहीं है, इधर से क्या है 3 है, ये भी लिख दिया, इधर से 3 भी है और 2 भी है, 3 भी है और 2 भी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी मैं बताता हूँ, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, तो 18 को मल्टीप्लाई करना है 3 5 दा 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 को 8 से, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 90 का 0 9 और 18 और 9 27, 270 आ गया। क्या आ गया? 270। तो क्या है, कॉमन फैक्टर लिए और अनकॉमन सारे ले लिए। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो नंबर है वो था हमारे पास 30। तो 30 की फैक्टराइजेशन बनती है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 एक्स वाई जी। अब 3 और 5 कॉमन ले लिया इधर से, इधर से सबसे, इधर क्या रह गया 2, ये लगा दिया और इधर क्या रह गया 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3, तो ये हो गया 2 3 दा 6, 6 को मल्टीप्लाई करें हम 3 से, 18 और 18 ये 90 आता है। क्या आता है? 90। तो क्या हुआ? 90 हुआ एक्स स्क्वायर वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई जी 90 एक्स स्क्वायर वाई जी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी के गिर्द सर्कल हमने कर दिया है। इसके बाद एम सी क्यूज नंबर है जी 8 के बाद 9, एल सी एम ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इधर से आएगा ए स्केयर, ए स्केयर ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये है ए की 4 माइनस बी की 4। तो पहला मेंबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये कॉमन आ गया और ये अनकॉमन, तो ए की 4 माइनस बी की 4 ही आता है, ए की 4 माइनस बी की 4, क्योंकि इसके अंदर ए स्केयर प्लस बी स्केयर पड़ा हुआ है इसलिए
सी करेक्ट आंसर है, सी के गिर्द सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। यहां भी क्या आएगा, यहां भी प्रोडक्ट ही आना है। देखते हैं जी, सी, सी में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी सुन लें, जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी मल्टीप्लीकेशन इक्वल होती है एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाय एल सी एम, तो प्रोडक्ट आएगा। आगे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, कहता है सिंप्लीफाई, ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर ए है बच्चों, ऊपर क्या है, ए है, नीचे फैक्टर बनेंगे, थ्री ए का स्केयर होगा तो ये बनेंगे थ्री ए प्लस बी इंटू थ्री ए माइनस बी, ये इसके फैक्टर हो गए, प्लस वन ओवर थ्री ए माइनस बी। तो एलसीएम क्या आएगा, थ्री ए प्लस बी इंटू थ्री ए माइनस बी, ये नीचे साफ भी है ए ही आ जाएगा, आगे प्लस का साइन है, प्लस के बाद माइनस वाला तो कैंसिल हो गया, प्लस वाला आ जाएगा थ्री ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी। तो ये फोर ए प्लस बी वाला ढूंढते हैं जी, फोर ए प्लस बी, ये जी सी, फोर ए प्लस बी ओवर, ये तो वही आ जाएगा थ्री ए का स्केयर, थ्री थ्री द नाइन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो फोर ए प्लस बी, सी है, सी करेक्ट आंसर है। आगे डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर है 12, इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो इसके फैक्टर बनाते हैं, ए स्केयर उसी तरह सेवन टू द 14 प्लस के सेवन ए माइनस के टू ए माइनस 14, ऊपर नीचे, नीचे भी फैक्टराइजेशन करते हैं, ए स्केयर उसी तरह सिक्स थ्री द 18 माइनस के सिक्स ए प्लस के थ्री ए माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस थ्री नीचे ए माइनस टू, सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हमारे पास आएगा ए प्लस सेवन इंटू माइनस टू कॉम लिया तो ए माइनस टू ऊपर आ गया, फैक्टराइजेशन कुछ डायरेक्ट कर दी इधर, ए प्लस थ्री आएगा इंटू ए माइनस सिक्स प्लस ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस थ्री ओवर ए माइनस टू। अब कौन सा कैंसिल होता है जी, ए प्लस थ्री से ए प्लस थ्री कैंसिल, ए माइनस टू से, तो ए प्लस थ्री ओवर ए माइनस सिक्स, ए प्लस थ्री ओवर ए माइनस सिक्स, ए प्लस सॉरी ए प्लस सेवन और ए माइनस सिक्स, ए ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आगे भी सॉल्व करने वाला है, उसको सॉल्व करते हैं इधर ही, क्यूब खोल लेंगे, ए की थ्री माइनस बी की थ्री को खोल देते हैं जी, ये क्या बनेगा, चलें इसको ऐसे खोल ही दें, ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये हो गया, नीचे आएगा ए की टू प्लस बी की टू इंटू ए की टू माइनस बी की टू, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई बना देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ऊपर चला गया तो नीचे क्या रह गया, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये कट गया, ये भी कट गया, और ऊपर क्या रह गया, ऊपर है a माइनस बी, नीचे तो नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, तो a माइनस बी और a माइनस बी कट गया, वन ओवर a प्लस बी, वन ओवर a प्लस बी, a करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ए को सर्कल कर दिया।
आगे फिर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है ये, तो सारे सॉल्व करने लाए हैं, सिंपलीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो ये एमसीक्यूज नंबर है 14, एमसीक्यूज नंबर 14, एलसीएम आएगा एक्स प्लस वाई, क्या आएगा एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ गया इधर। अब ये डिवीजन है, इसको इसका भी x प्लस वाई एलसीएम आ गया, x प्लस वाई तो ऊपर हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स, जो कैंसिल होता है करते हैं, ये y से y कट गया 2x में से, ये आ गया x ओवर x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर x से x कट गया, x प्लस वाई ऊपर चला जाता है, नीचे y ही रह जाएगा x प्लस वाई से, तो x ओवर y आ गया। कुछ सादा करते हुए, स्टेप्स को छोड़ते हुए किया, ये कौन सा लॉन्ग है, एम सी क्यूज है, तो x ओवर y देखते हैं कहाँ मौजूद है जी, d, d हमारा करेक्ट आंसर है, d को हमने सर्कल कर दिया, यानी एम सी क्यूज नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है, एम सी क्यूज नंबर 14 को बच्चों हमने सॉल्व किया है, उसका करेक्ट आंसर क्या हमारे पास आ गया है, x ओवर y, क्योंकि वीडियो में नहीं आ रहा था, रिपीट किए देता हूँ, देख लें क्या किया, एम सी क्यूज नंबर 14 के लिए ये जो है x प्लस वाई एलसीएम लिया, 2x प्लस वाई, नीचे वाला जो x प्लस वाई है माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस एक्स और माइनस वाई हो गया, फिर आगे डिवीजन का साइन है, आगे फिर x प्लस वाई एलसीएम है, जो अजाफियकल है, वन से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, लिख दिया, x से x कैंसिल, ऊपर y रह गया इधर, y से y कैंसिल, 2x में से x माइनस हुआ, तो x ओवर x प्लस वाई, ये डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई ऊपर आ गया और ऊपर जो y बचा था नीचे, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, x ऊपर आ गया y नीचे आ गया, तो हमने x ओवर y को सर्कल कर दिया है। आगे जी एम सी क्यूज नंबर 15 है, 10 के रूट ऑफ, ये बनता है x माइनस वन का होल, सॉरी a माइनस वन का होल स्क्वायर बनता है, और ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस a माइनस वन हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं प्लस माइनस a माइनस वन, तो b, b इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। आगे व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन हमने उधर कर भी रखा है, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास x की 4, x की 2 और ये 8, 8 टू द 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, तो c, c इज द करेक्ट आंसर, c के गिर्द सर्कल कर दिया। अब एम सी क्यूज नंबर है 17, द स्क्वायर रूट ऑफ, ये पता है किसका, ये x की 2 आगे प्लस का 2 है, तो प्लस 1 ओवर x की 2 इसका होल स्क्वायर बनता है, और इसी का हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, यही है, देखते हैं कौन सा है, प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टू टाइम्स प्लस का है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो डियर स्टूडेंट बी क्या है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस तरह बुक के एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हुए। अब अप टू डेट के अंदर मैंने देखे हैं चंद एक एमसीक्यूज हैं जो बुक पर नहीं लेकर वहाँ मौजूद हैं, उनको भी सॉल्व कर देते हैं, चंद एक हैं तो साथ उनको सॉल्व करते हुए आपका ये यूनिट नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कंप्लीट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 11, 12 और 14 ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बुक पर नहीं थे, तो ये तीन भी करते चलें। 11 नंबर में लिखा हुआ है एच सी एफ ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड ए की 4 माइनस बी की 4, तो इनकी फैक्टराइजेशन जब करेंगे
तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो उसी तरह रहेगा, और ए की फोर माइनस बी की फोर उसकी फैक्टराइजेशन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो एच सी एफ के अंदर सिर्फ कॉमन मेंबर आता है, तो इसका आंसर क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, देखते हैं जी सी। तो डियर स्टूडेंट सी इज द करेक्ट आंसर, एमसीक्यूज नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एमसीक्यूज नंबर 12 एच सी एफ है, पी की थ्री, पी की थ्री क्यू माइनस पी क्यू की थ्री, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, पी क्यू कॉमन लिया जाएगा अंदर, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर आ जाता है, फिर पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू है, और दूसरा है जी उधर से कॉमन आएगा पी की टू क्यू की टू, अंदर पी की थ्री माइनस क्यू की थ्री है, तो वो बन जाता है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इंटू पी माइनस क्यू, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ते माइनस है तो प्लस पी क्यू। तो इस तरह पी माइनस क्यू दोनों तरफ है, और पी क्यू और पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर से पी क्यू, तो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 14 है, द फार्मूला ऑफ एच सी एफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो इसका फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एच सी एफ का फार्मूला, एच सी एफ हमने फाइंड करना है, तो ये पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू क्यू एक्स ओवर होगा एल सी एम ओवर एल सी एम जी। ए इज द करेक्ट आंसर, ए में पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर एल सी एम। फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो देख लें, वो ये होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स आगे एल सी एम मल्टीप्लाइड बाय एच सी एफ। तो हमने एच सी एफ फाइंड करना है, तो एल सी एम इधर आके डिवाइड कर जाएगा, तो आ जाएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर एल सी एम। ए में लिखा हुआ है, ए करेक्ट आंसर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।